हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी हेल्दी स्वीट डिश लेकर के आई हूँ जो बहुत ही आपको पसंद आने वाली है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करके भी बता दीजिएगा। दोस्तों, आज मैंने डेट्स और ड्राई फ्रूट्स की एक ऐसी बर्फ़ी बनाई है जो हेल्थ कॉन्शियस लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। इस पर मैंने सिल्वर लीफ भी लगाया है ताकि इसे एक अच्छा सा लुक दे पाऊँ। तो सबसे पहले एक पैन ले लें और उसमें आधी छोटी चम्मच के करीब घी डाल लें और इसमें मैंने डाले हैं लगभग 3 चम्मच के करीब पिस्ता और 3 चम्मच के करीब बादाम, जिसे मैंने बारीक काटा है, और लगभग 3 चम्मच के करीब मैंने लिया है काजू और इसे हम रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको घी का जो फ्लेवर होता है वो पसंद नहीं है। तो लगभग लो टू मीडियम हीट पर मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर रही हूँ और ये रोस्ट होने के बाद में हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए रोस्ट हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने लिए हैं लगभग 18 से 20 खजूर जिसके मैंने बीजों को निकाल लिया है और इसे मैं पहले छोटे वाले जार में ब्लेंड करूँगी। तो हमें कोर्स ही रखना है और उसी पैन में मैंने 1 चम्मच के करीब डाला है घी और जो खजूर हमने कोर्सली ग्राइंड करे थे उसे भी हम डाल लेंगे। अब इस स्टेज पे घी डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें जो खजूर हैं डेट्स हैं उसे थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। तो इस तरीके से आप स्पैचुला से मैश करते हुए, इस तरीके से दबाते हुए आपको लो टू मीडियम हीट पे ही आपको ये रोस्ट करना है। देखिए ऐसे मैश करते हुए हम इसे सॉफ्ट बना लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं डेट्स सॉफ्ट होने लग गए हैं। ये देखिए अच्छी तरह से कंबाइन हो गया है। तो अब हम इसमें अपने जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करे हैं उसे डाल लेंगे। गैस का फ्लेम आप ऑफ कर लीजिएगा और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से स्पैचुला से यूँ मिलाते रहिएगा। अभी डेट्स जो है गरम है तो मैं इसे अब एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब ये मिक्सर जो है थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो अब हाथ की मदद से हम इसे बाइंड करेंगे अच्छी तरह से। अब ये थोड़ा कम गरम है तो अब हम अच्छी तरह से इसे हाथ में ले सकते हैं। अब इसे हम एक लॉग का फॉर्म देंगे। ये देखिए इस तरीके से आप ऐसे कंबाइन करते रहिएगा नट्स को और नट्स एंड डेट्स को। और ये देखिए ये मिक्सर जब हल्का वार्म हो या गर्म हो उसी टाइम पे हमें ये प्रोसेस करना है। ये देखिए इस तरीके से परफेक्ट शेप देते हुए हम इसे यू रोल कर। तो अब आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से बाइंड हो गया है और एक लॉग फॉर्म में रेडी है। तो इसे मैं एक फॉइल पेपर में इस तरीके से लपेट करके फ्रिज में रखूंगी लगभग आधे घंटे के करीब ताकि ये थोड़ा सा सख्त हो जाए। और एक बारी फॉइल में लपेटने के बाद में ऐसे थोड़ा सा आप जैसे हम बेलन से रोटी को बेलते हैं उस तरीके से रोल कर लीजिएगा और इसे हम फ्रिज में रखेंगे अभी। और आधे घंटे के बाद में आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है। तो चलिए अब इसके हम पीसेस कट कर लेते हैं। तो क्योंकि मुझे सर्कल शेप देना है तो मैंने इसीलिए इस तरीके से इसे लॉग फॉर्म में दिया है और इसे मैं एक चाकू से काट लूँगी। तो लगभग आधे इंच के करीब हम इसे काट लेंगे। आप चाहें तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, छोटे छोटे लड्डू, और जो बच्चे होते हैं उनके लंच बॉक्स में या फिर आप अपने लंच बॉक्स में भी ले सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है
जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन होता है तो इस तरह की रेसिपीज़ कमाल करती हैं, यकीन मानिए, क्योंकि ये नेचुरल स्वीटनेस है जो आप खा रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने इसके स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, सख्त बनी है और क्रंची भी है, क्योंकि नट्स को हमने यहाँ पर रोस्ट किया था। आप चाहें तो इसे डेकोरेट करने के लिए जो सिल्वर लीफ होता है वो लगा सकते हैं। कट करने से पहले, मैं कट करते समय भूल गई थी तो मैंने बाद में लगाया। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करिए।